प्रोग्राम जो है हमने जब शुरू किया, लेकिन आज क्वेटा में आना और इस प्रोग्राम का यहाँ पर होना और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का यहाँ पर मौजूद होना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है, इसलिए कि आज से तकरीबन साढ़े चार माह पहले मैं और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, वी वर इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस, और वहाँ पर ये जो प्रोग्राम सब लोग मुझे, मैं मशकूर हूँ मैडम नीलम की, मैडम समीना की, कि ये मुझे इस बात पे कहते हैं कि ये प्रोग्राम को मैंने किया या इसकी लीड ली, लेकिन ये आइडिया जो है, ये सोच जो है, ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की है। ही वॉन्टेड दैट एवरी, यहाँ पर हर बच्ची, हर खातून जो है वो, उसको ये नॉलेज हासिल हो कि उसकी सेहत, उसके लिए उसका शऊर, उस कितना अहमियत का हामिल है। और मेरे ख्याल में जब ये आपकी तालियों की आवाज़ कोई मज़े की नहीं लगी मुझे, बच्चों आपको मज़ा नहीं आया ऐसा मुझे, और आज मुझे उससे कहीं बढ़कर ये खुशी लगी जब मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को देखा कि जब वो क्लासरूम में बच्चियों के साथ जब वो बात कर रहे थे, और जिस तरह एक बाप अपनी शफकत बच्चों को देता है, सो ही प्रूव्ड दैट, जिस तरह बेटियों, मुख्तलिफ बच्चों ने सवाल किया और एक बेटी जिसने इतने प्यार से, कॉन्फिडेंस के साथ सवाल किया और पूरी जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ किया, और जिस तरह ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने उनको बताया कि उन्होंने और मैडम रहीला ने, इन लोगों ने मिलकर, बलूचिस्तान की हुकूमत ने अब बच्चों के लिए क्या क्या कुछ किया है तालीम के लिए, और आज जो उससे जब उन्होंने कहा कि आप मांगो, क्या मांगते हो, तो ने कहा कि हमारे पास लैब नहीं है, सो उन्होंने लैब का ऐलान भी किया, ब्लॉक का ऐलान भी किया, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी और खुशी की क्या बात होगी कि तालीम के लिए जब आपके लिए रास्ते आसान कर दें, और तालीम जब, और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर है मीडिया के तवसत से बलूचिस्तान के लिए, ये एक बहुत बड़ा, पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं नेशनली इंटरनेशनली ये देखा जाए, मुझे फ़ख्र है इस बात को कहते हुए कि आज बलूचिस्तान की बेटी जिस तरह से तरक्की कर रही है, यहाँ पर जैसे मैंने देखा कि फ़ीमेल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया और इतनी बहादुर और शेरनियाँ जो हैं यहाँ पर काम कर रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान की हर बेटी, हर माँ मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और उससे ज़्यादा कहीं गुना मैं समझती हूँ हमारे, मेरे भाई, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और तरक्की दे और कामयाबी दे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब ने जिस तरह से वो पूरे दिल और जान के साथ, लगन के साथ इस काम को लेकर लगे हुए हैं, मैं समझती हूँ इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि दुनिया देखेगी कि बलूचिस्तान किस तरह से तरक्की करता है। और सबसे खूबसूरत बात जो है वो ये है कि हम सब एक हैं, कोई किस सूबे से है, कहाँ से है, ये ताल्लुक इतना ज़रूरी नहीं, सबसे बड़ा ताल्लुक है कि हमारा मुल्क एक है और हम सब एक हैं, और मैं समझती हूँ बलूचिस्तान वो सूबा है जो सबको एक इकट्ठा करता है, और हम सबको मिलकर इसको आगे बढ़ाना है, मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है। मैं सिर्फ, क्योंकि मैं चाहूँगी कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का टाइम चूँकि बहुत कीमती है, इस प्रोजेक्ट के हवाले से सिर्फ मैं दो तीन बातें कहना चाहूँगी आखिर में, और वो ये कि हम जिस दीन से हमारा ताल्लुक़ है उसमें बेटी को जो हक हासिल है वो शायद किसी और दीन में नहीं है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने दीन की आगाही जो है उसको प्रॉपर्ली देखें कि बेटियों को कितना इस्लाम में किस तरह से जो उनकी इज्जत है उनको अहमियत दी गई है, और इसके साथ साथ आपकी जो सेहत है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। बेशक ये कहा जाता है कि अगर आपने माशरे को, एक कौम, अच्छी कौम बनानी है तो उसके लिए अच्छी माँ, एक सेहतमंद माशरा जो है वो होना चाहिए, लेकिन माँ जहाँ से, जब तक उसके अंदर सेहत नहीं होगी, अपनी सफाई का ख्याल नहीं होगा, सेहत का ख्याल नहीं होगा, तो चीज़ें मुमकिन नहीं हो सकती। ऐसे नहीं हो सकता कि आप खुद बीमार हों, जब आप जहाज़ में सफ़र करते हैं या कहीं पर जाते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं कि जब मास्क गिरेगा, ऑक्सीजन आएगी, तो पहले खुद पहने, ताकि आपने खुद पहना होगा तो दूसरे को पहनाएंगे। सो इसी तरह आपको अपना भी ख्याल रखना है और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी सेहत कितनी ज़रूरी है, क्योंकि एक औरत जो है, एक जो बेटी है, एक औरत, एक माँ, एक बीवी, एक बहन, उसने पूरे ख़ानदान को लेकर चलना होता है, और आप बेटियाँ वो बेटियाँ हैं
जो माशरे को, जो मुल्क की किस्मत को तब्दील कर सकती हैं। और मुझे फ़ख्र है कि आज मैं उस ज़मीन पे खड़ी हूँ जहाँ पे माशाल्लाह इतनी दिलेर जो बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, बेटियाँ मौजूद हैं जो दिलो जान के साथ काम कर रही हैं। और सलाम है आप सबकी अज़मत को। और मैं सिर्फ इसके साथ साथ चाइनीज़ एम्बेसी जो हैं उनका भी, उनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हमें प्रॉपरली सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ बस मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह मेरे भाई को इज़्ज़त दे और तरक्की दे। और जिस तरह बाप की शफकत वो तमाम तर जो अपने स्कूल के तालिब इल्म हैं उनके साथ जिस तरह ही ओपन्ड अप हिज डोर्स फॉर एवरीवन, अल्लाह करे कि सुकून, अमन, चैन और खुशहाली इस सूबे का नसीब भी बने और पूरी दुनिया देखे। और अल्लाह आपका हाफिज़ होने के बहानू। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।